सिविल लाइन कोतवाली में मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार और एसएसपी सहारनपुर ने बताया कि दोनों जिले के द्वारा आरोपियों के धरपकड़ के लिए ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें सीओ मंगलौर और सीओ देवल को ऑपरेशन का इंचार्ज बनाया। पुलिस ने इस दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि दोनों रिश्ते में पाप बेटे हैं। फकीरा और सोनू नाम के दोनों आरोपी बालूपुर के रहने वाले हैं। वहीं पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को बताया कि यह शराब उन्होंने हरदेव से ली थी, जो कि कुंडेन गांव का रहने वाला है। आरोपी हरदेव अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। वहीं दोनों जिलों के अधिकारियों ने बताया कि हरदेव और अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्दी उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इनके द्वारा जो बालूपुर में जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, गजराज नाम के व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, भिंडू गांव में बिट्टू नाम के व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और तमाम गांव में भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो दोनों तरफ पड़ता है, उत्तराखंड में भी पड़ता है, उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है। हमारे यहाँ जो अफेक्टेड गाँव है, जो खेड़ा मुगल है, सलेमपुर है, सरबतपुर है, और भी तमाम गाँव है, माली है, ये सोनू से इंटरोगेशन के बाद पता चला इनके कस्टमर बेस जो है सभी गाँव से थे, यूपी के गाँव से थे, उत्तर प्रदेश के गाँव से थे। ये रोज जो भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जो आते हैं, इनसे संपर्क में रहते हैं, उनसे लेते हैं। और जो ये जो घटना हुई है, इसके संबंध में और भी इन्वेस्टिगेशन, और भी गिरफ्तारियाँ हैं। फिलहाल सोनू के द्वारा हरदेव नाम के व्यक्ति के नाम लिया गया है, जो गिरफ्तारी से दूर है। उसे गिरफ्तार करने के बाद और प्रकाश में आएगा कि कहाँ से एक देवबंद से अफेयर हुआ है, नांगल में अफेयर हुआ है, गागल कितने लोगों के खिलाफ, अज्ञात के खिलाफ हमने एफआईआर रजिस्टर किया है। क्योंकि गांव वालों ने जो हम लोगों की तरफ से जो डेथ हुआ है, उनके घर परिवार वालों से जब बात करने के बाद एक कॉमन बालूपुर का नाम निकला। बालूपुर के व्यक्ति अरेस्ट हुए, उनको प्रकाश में लाए जाएंगे। शराब सिर्फ खुद ही बनाते थे क्योंकि ये पहले खुद ही भी बनाते थे, इन पर कार्रवाई की हुई। अब जो सर्दी जो इंट्रोगेशन है, उन्होंने बताया कि जब सर्दी में फर्मेंटेशन ठीक से नहीं हो पाया, जो भी रहा हो उसके वजह से कोई किसी गोपिन नाम के व्यक्ति है जो बालूपुर के रहने वाला है, उनसे संपर्क किया गया है, और उन्होंने किसी एक सरदार हरदेव का नाम लिया है, उनसे इन्होंने मोबाइल से बात की है। सरदार ने किसी तीसरे आदमी के माध्यम से, जो सोनू का कहना है, तीसरे आदमी के माध्यम से इन तक पहुँचा है। कितने लोगों की सर इसमें अभी तक मौत हो चुकी है? अभी तक जो सहारनपुर के जो डिस्ट्रिक्ट जो अकाउंट से जो सीएमओ से हम लोगों ने प्राप्त किया, टोटल जो 36 का कन्फर्मेशन हुआ, जो मेथनॉल जो इसका स्मेल आया हो या जो अल्कोहल के जो स्मेल आया हो, और भी हम लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का जो सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, वो हम लोग जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजेंगे उससे फिर कन्फर्मेशन कर पाएंगे। गिरफ्तारी आज हुई है, जो हमारे द्वारा झपनेड़ा थाना क्षेत्र में जो मुकदमा पंजीकृत किया गया था, वो 302, 328, 272, 273 IPC की धाराओं और 62 आबकारी अधिनियम के तहत इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इन दो अभियुक्तों से हमारे द्वारा पूछताछ की गई, तो इससे ये पता पड़ा कि इनके द्वारा ये शराब जो इलिसिट लिकर था, इसको सप्लाई किया गया। इन्होंने किसी व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद, जो कि गागल मंडी क्षेत्र अंतर्गत आता है, वहाँ से इनके द्वारा उस व्यक्ति से कॉन्टेक्ट करके ये शराब प्रोक्योर की गई थी, तो उस व्यक्ति को ढूंढा जा रहा है, उसकी तलाश की जा रही है, तो उसकी उसको हमने नामजद किया है, वो वॉन्टेड है, उसकी जल्दी गिरफ्तारी कर ली। किसकी धारा में उनको बता दिया। सर जो शराब खुद बनाते भी थे या सर खाली सप्लाई करते? देखिए, इनके द्वारा बताया गया है, क्योंकि पूर्व में भी जो ये अभियुक्त हैं जेल में जा चुके हैं, साठ आबकारी अधिनियम के तहत इनके द्वारा पहले शराब बनाई जाती थी, लेकिन कुछ दिन से क्योंकि आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम की लगातार छापेमारी हो रही थी, तो इन्होंने बजाय बनाने के कहीं से खरीद कर बेचने का काम शुरू किया था, तो उसी के तहत इन्होंने इस तरीके की शराब बेची, जिसके कारण ये सर कितने लोगों की मृत्यु हुई? देखिए, लोगों की मृत्यु की पुष्टि, क्योंकि हमें अब तक जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें 25 लोगों की अभी तक पुष्टि हो चुकी है। सर कल 32 की लिस्ट आई थी। देखिए, लिस्ट जो आई है, जब आपके पास लिस्ट है तो आप लोगों को पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे द्वारा जो देखा गया है अभी तक 25, क्योंकि इसमें विभिन्न अस्पतालों में, नॉट इवन यहाँ केवल हरिद्वार ही नहीं, इसमें कुछ लोगों को एम्स भी रिफ़र किया गया था, तो एम्स चूँकि इस जनपद से बाहर आता है और वहाँ से सूचनाएं आने में देर होती है, तो वहाँ की सूचनाएं जब तक आएंगी तब ऑफिशियल फिगर जो होगा तब बताया जा सकता है।